भाइयों बहनों, मैं थोड़े सवाल पूछना चाहता हूं। ये कटमनी से आप परेशान हो या नहीं हो, जरा जोर से बोलो। कटमनी बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? घुसपैठ बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या दीदी कर सकती है? एक इनके मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया निकला। ये हजारों की सभा में मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? देखा है? अब 50 करोड़ रुपया जिसके घर से मिले उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ये ममता बनर्जी कहती है हमें जेल में डाल रहे हैं। ममता दीदी चिंता मत करो, जिसने भी गरीब उल्बेरिया वालों का पैसा खाया है उनको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे हम डालें। भाइयों बहनों, संदेश खाली। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक माताओं बहनों पर अत्याचार होता रहा। ममता बनर्जी ने उनको नहीं पकड़ा, भाजपा वाले हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर भी छोड़ना चाहते थे, फिर से हाईकोर्ट में गए, सीबीआई को केस सौंपा, तब उनका टीएमसी का नेता जेल में गया। ममता बनर्जी शर्म करो, शर्म करो। आप महिला मुख्यमंत्री हो, आपके नाक के तले संदेश खाली में बंगाल की माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ है। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, संदेश खाली में जिन जिन ने अत्याचार किया है वो सभी को चुन चुन कर जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।